और चलिए एक बड़ी खबर के साथ में बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हेमवती नंदन बहुगुणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी गढ़वाल में छात्र संघ चुनाव पूरा हो गया है। श्रीनगर के बिरला कैंपस में छात्र संघ चुनाव के नतीजे आ गए हैं और अध्यक्ष पद पर एबीवीपी ने बाजी मार ली है। एबीवीपी के जसवंत सिंह ने जय हो छात्र संगठन के प्रत्याशी वीरेंद्र को 458 वोटों से शिकस्त दी है। वहीं यूआर पद पर भी एबीवीपी के प्रत्याशी आशीष पंत ने जीत दर्ज की है। वहीं उपाध्यक्ष पद पर छात्रम संगठन के अमन काला ने जीत दर्ज की है और अमन ने एसएफआई के प्रत्याशी रोहित को 1250 वोटों से हराया। सह सचिव पद पर समरजीत तेतवा की जीत हुई है तो गर्ल रिप्रेजेंटेटिव पर आयशा की प्रियंका ने बाजी मार ली है। बिरला परिसर में सचिव और साथी कोषाध्यक्ष पद पर किसी भी दावेदार का नामांकन सही नहीं पाया गया जिससे इन पदों पर चुनाव नहीं हुआ। गढ़वाल विश्वविद्यालय के पौड़ी परिसर के भी छात्र संघ चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। छात्र संघ अध्यक्ष पद पर एबीवीपी की अभिरुचि नौटियाल ने जीत दर्ज की है। अभिरुचि ने एनएसयूआई के राजकुमार नेगी को 40 वोट से हराया है। वहीं उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के आलोक नेगी की जीत हुई है। आलोक के एबीवीपी के प्रेमचंद गुजर को 202 वोट से मात दी है जबकि सचिव पद पर एनएसयूआई के अमर नेगी ने आर्यन ग्रुप के आशीष नेगी को 46 वोटों से हराया है। आज यहाँ पे शासन अध्यक्ष के रूप में चुनी गई हूँ। 2000 के बाद 2024 में अगर कोई लड़की आई है तो मैं छात्रों के बीच रहकर काम करूँगी और छात्र हित में प्रेम पूर्वक वातावरण बनाकर मैं कार्य करूँगी। मैं सबसे पहले तो अपने छात्र छात्राओं का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया, सपोर्ट किया और मैं ऐसे ही छात्र हित के लिए हमेशा लड़ता रहूँ। जी हाँ, आज पौड़ी परिसर का छात्र संघ चुनाव 2024-25 सम्पन्न हुआ है और उसमें चार पदों के लिए निर्वाचन हुआ है जिसमें कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि निर्वाचित घोषित हुए हैं। 824 के आसपास थी जिसमें से कि 515 मत पड़े थे। आज गढ़वाल यूनिवर्सिटी में जहां छात्र संघ चुनाव पूरे हो चुके हैं तो वहीं कुमाऊं में भी अभी चुनावों की तारीखों का ऐलान तक नहीं हुआ जिससे छात्रों के सब्र का बांध टूटने लगा है और कॉलेज कैंपसों में हलचल भी बढ़ गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छात्रों की ये हलचल कुमाऊं के ज्यादातर कॉलेजों में है जहां छात्र संघ चुनाव का जादू स्टूडेंट्स के सिर चढ़कर बोल रहा है। चुनाव कब होंगे अभी पता नहीं लेकिन कॉलेज की धरती पर छात्र नेताओं के नाम वाले पैम्पलेट बिखर चुके हैं और इस सबके बीच आम स्टूडेंट्स से लेकर छात्र नेताओं को बस इंतजार है चुनाव के ऐलान का। देखिए अभी इलेक्शन की डेट आई नहीं है बट कॉलेज में चुनाव का रंग बहुत ज्यादा अच्छे से छा चुका है और तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है सबकी। माहौल है पूरा चुनाव का बट डेट अभी नहीं आई है, उसके हिसाब से तैयारी सबकी अच्छी चल रही है। अभी चुनाव का माहौल चल ही रहा है, बस डेट आने का इंतजार है सबको और सब लोग जम के तैयारी कर रहे हैं और रैलियां वगैरह निकाल रहे हैं, बस तैयारी चल रही है। सभी प्रत्याशी अभी भी तैयारी कर रहे हैं और संगठन का दायित्व होने के कारण विद्यार्थी परिषद से 2 प्रत्याशी तैयारी कर रहे हैं अभी, एक आयुष सिंह सत्याल और एक निश्चय। तो अभी संगठन का आदेश आएगा तो उसके बाद ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जाहिर है स्टूडेंट्स यूनियन के चुनाव का छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि इसी महीने के अंत में कुमाऊं के सभी कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव हो जाएंगे, तभी इन छात्र नेताओं का जोश भी ठंडा होगा जो तरह तरह से अपने वोटरों पर दाना डाल रहे हैं। कोई इन वोटरों को नचाने के लिए मंच दे रहा है तो कोई इनके आगे हाथ जोड़ रहा है। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। हरियाणा चुनाव प्रचार के बाद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून पहुंचे और यहां देर शाम कैंप ऑफिस में अधिकारियों के साथ में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान सीएम धामी ने आपदा से प्रभावित सड़कें, पेयजल लाइन को जल्द से जल्द ठीक करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही डेंगू की रोकथाम, चार धाम यात्रा को लेकर भी निर्देश दिए गए। सीएम धामी ने कहा कि मॉनसून सबके लिए चुनौती था और जहां जहां नुकसान हुआ है उसके पुनर्निर्माण के टाइम बाउंड तरीके से काम किया जाए। सीएम धामी ने इसके लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को निर्देश दिया है, हर अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरियाणा में धुआंधार प्रचार किया। सीएम धामी ने कलानौर के बसाना में बीजेपी उम्मीदवार रेनू डाबला के पक्ष में चुनाव प्रचार किया और लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। इस दौरान सीएम धामी ने कांग्रेस पर कई वार किए और सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने का सपना देख रही है जो कभी पूरा नहीं होने वाला है। सीएम ने यह भी कहा कि कांग्रेस के नेता कई वादे जनता से कर रहे हैं लेकिन कांग्रेस के वादे उसी की तरह खोखले हैं। सीएम ने यह भी कहा कि कांग्रेस के पास कोई नीति और नियत नहीं है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आम आदमी पार्टी को महाभ्रष्ट पार्टी करार दिया और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रोहतक और लाडवा में भी बीजेपी के लिए धुआंधार प्रचार किया। की जनता जानती है कि कांग्रेस की सरकार अगर आ गई तो फिर से हरियाणा में भ्रष्टाचारियों का और दलालों का राज कायम हो जाएगा। फिर से हमारे युवाओं का, हमारे बेटे बेटियों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। किसानों की जमीनों पर अवैध कब्जे शुरू हो जाएंगे। भाइयों बहनों, कांग्रेस के लोग आपके पास आकर बड़े बड़े वायदे करेंगे लेकिन कांग्रेसियों के वायदे इन्हीं कांग्रेसियों की तरह खोखले हैं। एक और पार्टी है महाभ्रष्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी, और जेजीपी के वोट कटवा जो लोग बीच में आ रहे हैं उन सबसे भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। ये लोग सिर्फ वोट काटने के लिए खड़े हैं। इनको वोट देने का मतलब है अपने वोट को खराब करना, इसलिए किसी के बहकावे में नहीं आना है। पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी का आज जन्मदिन है और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनके घर जाकर पूर्व सीएम खंडूरी को जन्मदिन की बधाई दी और शुभकामनाएं दी। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल भी मौजूद रहे, जबकि पूर्व सीएम खंडूरी ने अपने परिवार के साथ जन्मदिन मनाया। उनके बेटे मनीष खंडूरी और बेटी ऋतु खंडूरी भी उनके साथ मौजूद रहे। देहरादून से खबर है जहां पर बिदोली इलाके में जमकर लाठी डंडे चले हैं, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने व्यू होटल से चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गाड़ी बैक करने को लेकर विवाद हुआ था। इस दौरान कार सवार लोगों का व्यू होटल के गार्ड के साथ में कहासुनी हो गई और कुछ ही देर में अन्य लोग भी आए और लाठी डंडों से हमला कर दिया। पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड में आपदा अक्सर कमाने वालों के लिए किसी अवसर से कम नहीं होती, ऐसा ही कुछ देखने को मिला है पिथौरागढ़ में, जहां आपदा से हुए नुकसान के ज्यादातर एस्टीमेट गलत बने हैं। यही नहीं, कई मामलों में तो एक ही नुकसान के दो दो एस्टीमेट तक तैयार हुए हैं। ऐसे में अब प्रशासन के लिए सही एस्टीमेट को तलाशना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये नजारा इन दिनों पिथौरागढ़ आपदा प्रबंधन विभाग का है, जहां तैनात कर्मचारी दिन रात सही और फर्जी एस्टीमेट अलग कर रहे हैं। असल में बरसात के बाद हुए नुकसान की भरपाई के लिए अलग अलग विभागों ने अपने अपने एस्टीमेट मुख्यालय भेजे हैं। अब तक जिले में 45 करोड़ से ज्यादा के एस्टीमेट DDMO को मिल गए, लेकिन इनमें ज्यादातर एस्टीमेट पूरी तरह से फर्जी हैं। जी हां, प्रशासन ने अब तक 550 एस्टीमेट की जांच की है, जिनमें सिर्फ 50 एस्टीमेट ही सही पाए गए हैं। और जहां आपदा से क्षति नहीं हुई है उनको भी एस्टीमेट बनाते हुए यहां पर जमा किया गया है। और अभी दो दिन पहले लगभग हमारे कुल 550 प्रस्तावों की जांच की गई, जिसमें लगभग 50 सही पाए गए। यही नहीं, कुछ ऐसे भी मामले सामने आए हैं जहां एक नुकसान के अलग अलग विभागों से दो दो एस्टीमेट तैयार हुए हैं। तो ऐसे में प्रशासन के लिए आपदा से हुए नुकसान का ठीक ठीक आकलन करना भी चुनौती भरा साबित हो रहा है। यानी करोड़ों के एस्टीमेट में सही एस्टीमेट की तलाश भी DDMO के लिए सिरदर्द बनी हुई है। एस्टीमेट बनाने वाले विभागों के हाल ये है कि जहां नुकसान नहीं हुआ है वहां भी बरसाती तांडव फाइलों में दिखाया गया। तो ऐसे में प्रशासन ने गलत एस्टीमेट बनाने वाले विभागों से भी जवाब मांगा है। में दो विभागों द्वारा एक ही जगह का प्रस्ताव दे दिया गया और एक ही अधिकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर उनमें पाए गए, और ये लगभग 8,31,000 और 8,37,000 रुपए के पुलिया निर्माण का प्रकरण है, जिसमें फर्जी एस्टीमेट के चलते सही एस्टीमेट पर उस तेजी से काम नहीं हो पा रहा जिसकी दरकार प्रभावितों को है।
बरसात से हुए नुकसान के जैसे एस्टिमेट सामने आए हैं उससे साफ है कि आपदा कई विभागों के लिए किसी अवसर से कम नहीं है। बीते सालों में भी आपदा के नाम पर बड़ा खेल यहां होता रहा है, लेकिन इस बार बड़ा खेला शुरू होने से पहले ही फर्जीवाड़े का खुलासा हो गया। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। रुड़की आईआईटी में आम जनता के लिए आवाजाही बंद करने से नाराज विधायक प्रदीप बत्रा ने आज वोट क्लब पर धरना प्रदर्शन किया। विधायक का कहना है कि आईआईटी लोगों की आवाजाही के लिए पास जारी नहीं कर रही है, जिसकी वजह से सीनियर सिटीजन भी वॉक पर वाहन नहीं जा पा रहे हैं, इसीलिए आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि वोट क्लब भी आम जनता के लिए खोला जाना चाहिए, क्योंकि वोट क्लब लीज भी अब खत्म हो गई है। आईआईटी रुड़की ने जो रवैया अपनाया, जो तानाशाही अपनाई है, जो पास बनने थे वो कैंसिल कर दिए गए हैं, तो हमारे बुजुर्ग लोग, हमारी महिलाएं जो वहाँ पे शाम को सैर करने जाती हैं तो वो नहीं जा पा रहे हैं, उनको गेट पे रोक दिया गया है और उनसे बस रुकी कर जा रही है। उसके लिए एक सांकेतिक और शांतिपूर्वक धरना दिया गया था कि आईआईटी पास जारी करे। आईआईटी द्वारा जो है पास सिस्टम पे थोड़ा कंट्रोल किया जा रहा है और फिर लोगों को जो है एंट्री जो है अवरुद्ध की जा रही है। दूसरे संबंध में जो है इस समस्या से अवगत कराया गया, मेरे द्वारा आईटी के डायरेक्टर पंत सर से मिलकर जो है इस विषय पे चर्चा की जाएगी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पौड़ी जिले के द्वारीखाल इलाके में पेयजल से जुड़ी समस्याओं को लेकर बैठक हुई। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी के निर्देश के बाद में जल निगम के तमाम अधिकारी द्वारीखाल पहुंचे और ब्लॉक प्रमुख महेंद्र सिंह राणा ने जल निगम से जुड़ी शिकायतों की समीक्षा की। साथ ही क्षेत्र पंचायत सदस्यों, ग्राम प्रधानों, पंचायतों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की समस्याओं के जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। तो इस बार दिशा की बैठक माननीय सांसद अनिल बलूनी जी द्वारा ली गई और हमारे जिला अधिकारी जी उस बैठक में शामिल थे। तो उनसे वार्ता हुई कि उन्होंने कहा कि इस समस्या का जल्दी समाधान किया जाएगा और अधीक्षण अभियंता जी ने हमें आश्वासन दिया था और आज उसी सिलसिले में आज ब्लॉक में अधीक्षण अभियंता, उनका सारा स्टाफ आया था। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। टिहरी में विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने धर्म विशेष के कुछ लोगों पर गैर कानूनी तरीके से जमीन की रजिस्ट्री कराने का आरोप लगाया और प्रशासन से इस जमीन पर हो रहे निर्माण काम का भी जांच करने को लेकर मांग की है। विश्व हिंदू परिषद के लोगों का कहना है कि चंबा गंगोत्री हाईवे पर जुबा उदयपुर में बाहरी लोगों ने ग्रामीणों को बहला फुसलाकर जमीन खरीदी और ग्रामीणों को होटल कॉलेज बनाकर उनके बच्चों को रोजगार देने का भी आश्वासन दिया। वहीं पूरे मामले में प्रशासन जांच की बात कर रहा है, क्योंकि धर्म विशेष के लोग हैं कि जो हमारे पहाड़ का रहन सहन है और जो वहाँ के भोले वाले लोग हैं वो हमारा क्या है, देवभूमि के लोग देवताओं की तरह पहला पुकार रहे हैं कि हम यहाँ होटल बनाएंगे, आपके बच्चों को रोजगार देंगे। यहाँ 20 साल से ज़मीनें खरीद रखी और हमने SDM को इसमें जो है पूर्णतया जो है लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से जाँच करने के लिए कहा है और कुछ उन्होंने रजिस्ट्री की बात भी की है, तो उसमें हम सब रजिस्ट्रार से भी लिख रहे हैं और उनकी रजिस्ट्री प्राप्त करेंगे और किसी प्रकार की कोई अनियमितता होगी तो जाँच में जो निष्कर्ष आएगा उसके खिलाफ जो है उसके तदुपरांत कार्रवाई की जाए।